मुन्ना, ये मंजीत अपने दिलदार को पिछले 6 महीने से खत लिख रहा है, मगर उसके एक खत का जवाब आज तक नहीं आया। ओए, मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए जवाब जरूर आएगा, और जिस दिन जवाब आया ना, उस दिन तुम सबको दिखा दूंगा। जरूर दिखाना, मगर इतने खत मत लिखा कर मंजीत, कहीं तेरे दिलदार का चक्कर वहां पोस्टमैन के साथ ना चल जाए। क्या कहा? सिगरेट पी रहे हो? पॉकेट कहाँ है? सर, ये आखिरी है। इधर दो इसे, इसे हम पीऊंगा। लीजिए सर, मेरे पास पूरा पैकेट है। सर बैठिए ना। आपकी तारीफ? हमारी तारीफ जितनी कम करो उतनी ज्यादा है। हमारा नाम है बलवंत सिन्हा, हम पटना का रहने वाला हूँ। पिछले 15 साल से मेजर खान के अंडर काम कर रहा हूँ और अभी तक पक्का ब्रह्मचारी हूँ। मतलब आपने अभी तक शादी नहीं की सर? अरे अभी तो हम सिर्फ 40 का हूँ, जब 50 का हो जाऊंगा ना तब शादी करूंगा। सर हाँ, तब तो आप अपना एड्रेस मुझे जरूर दे देना, आपके पड़ोस का मकान मैं खरीद लूंगा। ये सारा इलाका हमारा है, यहाँ पर तुम लोग कहीं भी जा सकते हो, मगर पुल के उस पार एक गांव है धनकपुर, वहां कभी मत जाना, क्योंकि उस गांव में किसी भी फौजी या शहरी को जाने के लिए इजाजत नहीं है, समझे? ये क्या टेंशन है यार, आंखों को ठंडक तो वहीं मिलेगी, यहाँ तो अंधे हो जाएंगे। यस सर, क्या वो गांव हमारे देश की सीमा के उस पार है? नहीं, है तो हमारे देश के अंदर, मगर वहां की रीत रिवाज और परंपराओं ने उसे हमारे देश से काटकर अलग कर दिया है। तुम लोगों को पहले 3 महीनों की ट्रेनिंग यहां दी जाएगी, उसके बाद हम बर्फों में जाएंगे। लड़की, क्या बात है। आओ मेरे साथ। क्या करेंगे मेजर साहब मुन्ना के साथ? पता नहीं, पर जो भी करेंगे अच्छा नहीं करेंगे। नहीं सर, इसे मत काटिए सर। ओए मुन्ना, क्या हुआ? ठीक तो है ना? कुछ बताना। क्या किया मेजर साहब ने? सब कुछ काट दिया। सब कुछ? हाँ, ये देखो। संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं पैदा हुई जिसका इलाज मरघट लाल वैद्य के पास ना हो, समझा बिहारी? ये पत्तियां ले, निहार मुंह से चबाकर इसका रस पी जाना, भगवान ने चाहा तो खत्म हो जाएगा। कौन, मैं? हाँ, नहीं, तेरा ये दर्द इन पत्तियों से? अरे मूर्ख, ये पत्तियां नहीं, संजीवनी है, संजीवनी। तू मुझे कोई मामूली बात समझता है क्या? मैं रोगी का मुंह देखे बिना, उससे कुछ पूछे बिना, सिर्फ नाड़ी पकड़ के बता सकता हूँ उसे क्या रोग है। अब देख, ये बच्चा है ना, हाँ? इससे पूछे बिना मैं अभी बता सकता हूँ इसे क्या बीमारी। बेटा अपनी नाड़ी पकड़वाना। नाड़ी? ये लो। अजीब नाड़ी, सुखी सुखी सी, पतली पतली सी, मुर्दे से भी मुर्दा। इसकी तो नब्ज़ ही नहीं चल रही। अरे ये क्या पकड़वा दिया तूने? तुमने ही तो कहा था मुझे नाड़ी पकड़वाने। अरे ये नाड़ी नहीं, ये नाड़ी नब्ज़। उन्हें लड़की की आवाज। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। लड़की कहाँ है? लड़की, लड़की कहाँ है सर? यही है, हमने अभी अभी अपने कानों से उसका आवाज सुना हूँ। लड़की यह कहाँ से आ सकती है सर? यही तो हम भी जानना चाहता हूँ, मगर लड़की यहाँ जरूर आई है, वरना 15 साल बाद इस जगह पर हमारे कानों से एक लड़की की आवाज कैसे कहा? अरे जवान, हम खुद ही इतना परेशान हो और तुम हमें लड़की। लड़की? कौन लड़की? वही लड़की जिसे हम खुद देखा हूं, हम उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। कप्तान जी, ये क्या कर रहे हैं मेरे गाल को? चुप रहो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लड़की है जरूर,
अरे जवान ये क्या कर रहे हो? दाढ़ी बनाने का ये कौन सा तरीका है? रेजर उल्टा पकड़े हो, लाओ हमें दो, हम तुम्हें दाढ़ी बनाना सिखाता हूँ। जवान तुम्हारी चमड़ी कितनी मुलायम है। सर क्या है, आप कितनी अच्छी दाढ़ी बनाते हैं, पहले हजाम थे क्या? शट अप, काम के समय हमें डिस्टर्ब नहीं करना। जवान ये इतनी जल्दी मूछें कहां से लगाई? लगाई नहीं सर, उगाई। समझा, वही लड़की हो और मूछें लगाकर हमें बेवकूफ बना रही हो। बलवंत, ये क्या हो रहा है? देखिए ना सर, ये मेरी मूछें खींच रहे हैं। नहीं सर, ये एक लड़की है, मूछ लगाकर हमारे कैंप में घुस आई है। What rubbish! ये तुम्हें लड़की नजर आ रहा है? ये दिनेश है, दिनेश। अरे ओ नालायको, जल्दी करो जल्दी करो, अगर ग्राउंड में देर से पहुंचे तो तुम लोगों के साथ साथ मेजर साहब हमारा भी कोर्ट मार्शल कर देंगे। वाहे गुरु जी। अबे ओ मंजीत, ये क्या कर रहा है? नहा रहा हूं सर। नहाने का ये कौन तरीका है? सर ये अकेला ही क्या, हम सब भी इसी तरह नहाने की सोच रहे हैं सर, पानी बहुत ठंडा है सर। अबे नालायक, हम लोग फौजी हैं, ठंडा और गरम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इतना ठंडा है हम देखता हूँ। क्या हुआ सर, आपकी उंगलियां टेढ़ी क्यों हो गई? जवान ये टेढ़ी नहीं है, ठंड के मारे अकड़ गई है। कहा हुआ गौरव, तुम्हारी भी उंगलियां अकड़ गई? कहा अकड़ नहीं गई सर, चल गई, पानी बहुत गर्म है। गर्म है? हाँ। ये क्या चक्कर है, हमें यहाँ पीने के लिए चाय तक गर्म नहीं मिलती और इसे नहाने के लिए गर्म पानी मिल रहा है। वाह भैया वाह, हम पर पहरा लगाए के खुद घटाघट पिए जा रहे हो। शराब, मेजर साहब ने कहा है कि हम तुम पर नजर रखूं, ये नहीं कहा कि हम ना पियूं, समझे? सो जाता हूं। अच्छा सो जाता हूं। अरे अरे ये ग्लास खाली कैसे हो गया, कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे भूत भाई, वो अंदर है, उधर सोया हुआ है वो, मैं यहाँ पे जगा हुआ हूँ। क्या बात है सर, इतने बर्फ में आपको पसीने क्यों छूट रहे हैं? भूत भाई, लगता है यहाँ पे कोई भूत प्रेत है। भूत प्रेत तो इंसानों का वहम होता है सर। भूत प्रेत नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। अब मुझे देखिए, मैं भूत से डरता हूँ, आप जाइए सो जाइए। ठहरो 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 जवान, ठहरो, सुनो, ये लो पियो पियो। देखो देखो जवान, ऐसा जुल्म ना करो, हमें यूं अकेला छोड़कर ना जाओ, आज रात हमारे तंबू में ही सो जाओ ना, प्लीज। लगता है शराब के बिना नींद नहीं आएगी, मैं शराब का बंदोबस्त करके आता हूँ। आओ आओ आ जाओ आ जाओ आओ। सो गया कमबख्त, तुम यही ठहरो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी जान बचाने की तैयारी, अगर भूत आया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा। ये क्या हो गया? शमशेर सिंह, शमशेर सिंह, भूत प्रेत की जगह हमने इंसान की जान ले ली, अपने ही बावर्ची को मार दिया हमने। सर ये आप क्या कह रहे हैं? अब हम पकड़ा जाऊंगा, कत्ल के जुर्म में हमें फांसी हो जाएगी। देखिए जो होना था सो हो गया, मेरे सिवा आपको कत्ल करते हुए और किसी ने नहीं देखा। हम दोनों बाहर जाकर कपड़ा ले आते हैं और इस लाश को लपेटकर झाड़ियों में फेंक देते हैं, सुबह तक तो कोई जानवर खा ही लेगा। अरे इसे कौन सा जानवर खाएगा? कोई ना कोई बदनसीब तो खा ही लेगा ना। आओ शमशेर सिंह,
तू जिंदा था तब भी बोझ था, मर गया तब भी बोझ है। मुझे तो तरस आता उस जानवर पर जो तुझे खाएगा, अरे उसका वंश तबाह हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, अरे लाश को तो इज्जत दो उसकी कम से कम। अलविदा। मेरा तंबू किधर है? जवान, लाश को तो हमने फेंक दिया, लेकिन वो बारची का भूत बनकर आपकी मौत का बदला लेने तो नहीं आएगा ना हमसे? भूत भूत बारची भूत बन गया। क्या बकवास कर रहे हो सर, कहाँ है भूत? वहाँ देखो, वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे जब हमने देखा तो वहीं पर था। चलो आओ, हम तुम्हें दिखाता हूँ। सर ये सब आपका वहम है। वहम नहीं है, अरे 11 उंगलियां होती ना तुम्हारी, कुछ नहीं होता है सर। मैं डरता हूँ भूत से। सर, सर कहाँ गए? अच्छा, मुझे अकेला छोड़कर खुद सोने चले गए, मैं भी सोने जाता हूँ। लो सर, तो आप यहाँ सो रहे हैं। मैंने कहा था ना सर कि बावर्ची मर चुका है, तो उसका भूत यहाँ कैसे आ सकता है? जवान। यस सर। हम तो यहाँ खड़ा हूँ। हाँ। ये कौन सोया है जिससे तुम बात कर रहे हो? सर मैं आप ही से तो बात। बता दो बता दो, ये बावर्ची का भूत है, बावर्ची मर चुका है। अरे नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अगर तुम मरे नहीं तो भूत बन के हमें क्यों डरा रहता है?